एक मिनट बात करते क्या हो आना होगा। चालू करो चालू करो भैया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। टेक्निकल इश्यू के नाते थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 178 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है, यह प्रकट करता है कनिष्क का शासन, हर्ष की समृद्धि, शिवाजी का शासन या चंद्रगुप्त का शासन। तो सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करें कि 178 जो 78 ईसा पूर्व प्रारंभ होता है प्रकट करता है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका सही उत्तर है वह कनिष्क का शासन। ठीक है, 78 ईसा पूर्व में कनिष्क का शासनकाल प्रारंभ होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था। निम्न में से कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था। ऑप्शन ए मादक पेय पदार्थ, ऑप्शन बी पर्दा प्रथा, ऑप्शन सी मनोरंजन के साधन या उपरोक्त सभी। इसमें से बताना है कि कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था। तो आप सभी लोग बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज वैदिक काल में नहीं था। चलिए सभी लोग उत्तर दें क्वेश्चन नंबर दो का कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था। सभी लोगों को हेलो हाय गुड मॉर्निंग सब हो चुका है, क्वेश्चन को उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए नहीं, पर्दा प्रथा था जो वह वैदिक काल में विद्यमान नहीं था, मादक पेय पदार्थ या मनोरंजन के साधन उस समय थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा ग्रीक शासक चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। मेगस्थनीज, सेल्युकस, अलेक्जेंडर या डेरियस। सभी लोग फटाफट उत्तर करें। यह प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा ग्रीक शासक चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। तो इसका सही उत्तर है सेल्युकस, क्योंकि सेल्युकस को कसने वाला चंद्रगुप्त मौर्य ही था। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित हैं। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अपने सभी मित्रों को यह वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि जब पहली बार लाइव हुआ था तो नेट की प्रॉब्लम थी तो इसलिए वो जुड़ नहीं पाए हैं। सभी लोग इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, चलिए, महानदी पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर या कावेरी पर। तो बता दूं विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कृष्णा नदी पर स्थित है। जी राहुल जी, बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको बता दूं कि जो विजयनगर का खंडहर है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, और 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। तो मैं आपको बता दूं कि मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे, बाबर के नाम से प्रसिद्ध था। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान, राजा जयपाल, जयचंद या फिरदौसी। कल यह क्वेश्चन था, यदि आपने कल क्लास अटेंड किया, जितने भी लोगों ने जो भी अटेंड किया है उसका उत्तर सभी को आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दें आप ए बी सी के रूप में। क्वेश्चन 6 लिख के आगे आप ए बी सी लिख के फटाफट उत्तर करें सभी लोग। और आज लोगों की संख्या कम है, आप लोग शेयर करिए क्योंकि पहली बार में नहीं हो पाया था। चलिए मैं बता दूं कि जो मोहम्मद गजनवी का आक्रमण करने वाला भारतीय राजा था वह थे राजा जयपाल। ठीक है, राजा जयपाल ने ही मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना किया था। छे का बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना किसने की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। कनिंघम ने, विलियम जोन्स ने, रखलदास बनर्जी ने या दयाराम साहनी ने। जी हाँ, चलिए बताइएगा। हाँ, 7 का बी इज द राइट आंसर। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। वेरी गुड, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन उग्रपंथी नहीं थे। देखिए यहाँ पे दो विचारधाराएं थी हमारे भारत में स्वतंत्रता से पहले, गरम दल और नरम दल। तो उग्रपंथी नहीं थे बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल उधम सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8। जी 8 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह उग्रपंथी नहीं थे, वह नरम विचारधारा से जुड़ाव रखते थे। उधम सिंह, मदन, अरे भाई से बम फेंकने वाले हैं अपने देश के लिए, इन्होंने बहुत कुछ किया। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके छोड़ूंगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर करें, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में की थी। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान का लोक नृत्य है छऊ, कथकली, मांडी या घूमर। बहुत ही प्रसिद्ध गाना इस पे आया था घूमर के ऊपर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मैं बता दूं, घूमर, घापाल, फुंदी, जिंजाद आदि राजस्थान के लोक नृत्य हैं। 10 का डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए, इतना टाइम मत लगाइए। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे भाग्य विधाता से, रविन्द्र टैगोर द्वारा संपादित पात्र कव्य तत्व बोधनी से, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास दुर्गेश नंदनी से, बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ से। चलिए एक बार आप गूगल करके देख लीजिएगा कि कौन होगा। चलिए हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया बताइएगा आप लोग। पहले बता दें कि जो राष्ट्रीय गीत है वह वंदे मातरम है। ठीक है, क्या है? वंदे मातरम। नहीं, आप लोग भी कंफ्यूज होंगे। जी क्वेश्चन नंबर 11 का डी इज द राइट आंसर, क्योंकि आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित, आनंद मठ से लिया गया है। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगीत के रूप में माना गया। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, इसके जब से मैं पढ़ा रहा हूं आपको उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत
के झंडे का आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात है 2:1, 3:2, 4:3 या 5:3, इसे आप बी ए बी सी के रूप में उत्तर करें फटाफट। चलिए बिल्कुल सही, क्योंकि ये 3:2 होता है, झंडा हमारा ऐसे होता है, ये 3 होता है, ये 2 होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। यदि चौड़ाई लंबाई कर देगा तो 2:3 हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बजाने के लिए पूछा जा सकता है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? कहने का मतलब ये है 1946 में कौन था वहां का राष्ट्रपति? ऑप्शन ए है रिचर्ड निक्सन, हेनरी टुमेर, जॉन केनेडी या विलियम पार्कर। इसका सही उत्तर है बी, हेनरी टुमेर ने ही आदेश दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इंग्लैंड में न्यू कैसल है, इंग्लैंड में न्यू कैसल है, इंग्लैंड के महारानी का निवास स्थान, इंग्लैंड के महाराजा का निवास स्थान, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान या नान ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। जी नहीं, मैं बता दूं कि इनमें से कुछ भी नहीं है, यह थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो न्यू कैलस है, ठीक है, न्यू कैसल नामक स्थान जो है वह ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, और इंग्लैंड में जो ब्रिटेन की महारानी होती है उनके आवास का नाम बकिंगम पैलेस है, और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आवास का नाम है वह 10 डाइनिंग स्ट्रीट है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इजराइल का राजा सोलेमैन किसके लिए प्रसिद्ध है? पराक्रम के लिए, क्रोध के लिए, विवेक बुद्धि के लिए या दर्शन तत्व ज्ञान के लिए? न्यू कैसल एक जगह का नाम है। चलिए इजराइल का राजा सोलेमैन किसके लिए प्रसिद्ध है? जो क्वेश्चन आपको न समझ में आया करे उसे थोड़ा कॉपी में लिख लिया करिए, फिर उसके बारे में थोड़ा गूगल करिए, सब मालूम चल जाएगा आपको। वैसे मैं बता दिया कि यह जगह का नाम है, आवाज चेंज नहीं है, मैं ही पढ़ा रहा हूं। इजराइल का राजा सोलेमैन किसके लिए प्रसिद्ध है? पराक्रम के लिए, क्रोध के लिए, विवेक बुद्धि के लिए, दर्शन तत्व ज्ञान के लिए? जी बिल्कुल सही जवाब, जो इनके राजा हैं वह ऑप्शन नंबर ए पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं, थे मतलब। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि देश का सबसे बड़ा रोपवे अवस्थित है दार्जिलिंग में, हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में या तमिलनाडु में? बताइएगा। देश का सबसे बड़ा रोपवे दार्जिलिंग में स्थित है, ठीक है, कहां पे? दार्जिलिंग में स्थित है। हम ऑप्शन के हिसाब से उत्तर करेंगे, ठीक है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि तापमान का अधिकतम दैनिक रेंज, मैक्सिमम डेली रेंज होगा चेन्नई में, त्रिवेंद्रम में, दिल्ली में या मुंबई में? जी दिल्ली इज द राइट आंसर, क्योंकि यह केंद्र में स्थित है, बाकी जो भी नाम दिख रहे हैं सब तटीय शहर के नाम है, चाहे वो चेन्नई हो, त्रिवेंद्रम हो या मुंबई हो, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जितने भी लोग इस समय लाइव हैं, ठीक है, सब लोग फटाफट वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में किसे एशियाई सिंहों का घर के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे एशियाई सिंहों के घर के रूप में जाना जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान? सभी लोग फटाफट उत्तर करें, इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा?
मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ साल पहले सॉरी कुछ वीडियो पहले मैं बता दिया था कि जो इसका गिर है वह शेरों के लिए प्रसिद्ध है और एशिया में सबसे बड़ा क्षेत्र है ये। ठीक है, तो 18 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है पर्थ और मेलबोर्न, पर्थ और एलिस स्प्रिंग्स, पर्थ और सिडनी, पर्थ और कालगुरलाइस। क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा। ये दो शहरों में जो रेलवे जोड़ती है उसकी उसका बात किया जा रहा है ये। ठीक है, तो बता दूं कि यह है पर्थ और सिडनी, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यह एक टर्मिनल है रेलवे का जिसकी स्थापना जो हुई थी वह 1917 में हुई थी। ठीक है, इसकी लंबाई 478 किमी तक एकदम सीधी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माओरी जाति कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड में, जापान में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में। तो बिल्कुल सही जवाब जो ये है, माओरी जाति ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। आप लोग तो प्रश्न से पहले ही उत्तर बता दे रहे हैं। चलिए, संसार की छत किसे कहते हैं, पामीर की पठार, दक्षिण भारत का पठार, तिब्बत का पठार या इनमें से कोई नहीं। चलिए 21 का ए बिल्कुल सही है, क्योंकि पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार है जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए, पनीर नहीं पामीर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति एक समान, उनके बीच दूरी बढ़ती है तो घटती है और इसके विपरीत भी सत्य है। जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो बढ़ती है और इसके विपरीत भी सत्य है। जब उनके बीच की दूरी घटती है तो गति बढ़ती है और इसका विपरीत भी सत्य है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22। चलिए 22 का बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी बढ़ती है तो गति घटती है। ठीक है, 22 का बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है, दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है अक्षांश देशांतर, देशांतर, देशांतर और विषुवत रेखा से दूरी, अक्षांश देशांतर विषुवत रेखा की दूरी। बहुत ही सरल जवाब इसका होना चाहिए, बहुत सरल जवाब इसका है, सभी लोग उत्तर करें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि देशांतर से ही समय घटता बढ़ता है। देशांतर की संख्या 360 होती है, एक देशांतर जाने में पृथ्वी को 15 मिनट लगता है, कितना 15 मिनट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का अधिकता होती है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का अधिकता होता है, पीट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24। चलिए ठीक है, देशांतर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर करें आप लोग। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का अधिकता होता है, पीट, जलोढ़, लेटराइट या लाल। 24 का बी बिल्कुल सही है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में ही अधिकतम कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से संविधान कौन सा एकात्मक लक्षण है, संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है, राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो,
एकल संगठित न्यायपालिका, ये सभी या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। पॉलिटिकल सॉरी संविधान का थोड़ा टफ क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25, इसका उत्तर करें आप लोग। पच्चीस का ए बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यदि किसी भी राज्य का शासन ठप हो गया है तो राष्ट्रपति अधिकार में ले सकता है उसे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, यदि आप जूनियर शिक्षक भर्ती फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपको नोट्स चाहिए, वह पीडीएफ आपको मात्र 399 रुपये में उपलब्ध है। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6306344367 पे, ठीक है, और जूनियर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको बस जूनियर नोट्स लिख के सेंड करना होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान के संशोधन बिल का स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी न हो उस पर विचार करना और पास करवाना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। बिल्कुल सही जवाब है, बताइएगा। क्या आप कहना चाहते हैं, आप आवाज चेंज था डिटेल में बता दे दीजिए इसको। चलिए, सी इज द राइट आंसर। यदि कोई बिल है और उस पर सदन राजी नहीं है तो जो राष्ट्रपति होते हैं वह क्या करते हैं, एक संयुक्त अधिवेशन लेते हैं और उसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष करता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष रहता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है, बताइएगा। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या नवम, मतलब नौ। क्वेश्चन नंबर 27, सभी लोग उत्तर करें। चलिए मैं बता दूं कि उसका सही उत्तर है वह है चतुर्थ, कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का ब्यौरा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है, सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा, सिक्योरिटी प्रेस मुंबई द्वारा, सिक्योरिटी प्रेस नोएडा द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, जी नासिक इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, नासिक 10, 50, 100, 500 के नोटों का मुद्रण करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, चलिए आपको मालूम ही है कि यूपी टेट का जो भी एडवाइजरी है वो जारी हो गया है, 25 जुलाई को इसका पेपर होने वाला है, 18 मई से फॉर्म भरे जाएंगे। तो यदि आप घर बैठे संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे न्यू बैच से जुड़ सकते हैं, यूपी टेट घर बैठे आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या डिटेल्स मिलने वाले हैं, तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउट सेशन क्लियर किया जाएगा स्पेशल क्लास के द्वारा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे उसे आप प्रिंट करवा लेंगे, क्रैश कोर्स के नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेगा और आपका ऑनलाइन टेस्ट भी किया जाएगा। और आप स्पेशल ऑफर के तहत 16 मार्च से 30 मार्च तक ये ऑफर है, इसमें आपको कम दाम में यह एडमिशन मिल जाएगा। और हमारा नारा है कि अब की बार यूपी टेट पार, उसके बाद एक सीट हमार, ठीक है, आप हमारा साथ दें हम आपको परिणाम देंगे, जी यूपी टीटी, ठीक है। यदि आप इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग आज ही इस नंबर पर कॉल करें और पूरी डिटेल्स लेके जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर लें, ताकि शुरू से ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपने तैयारी को एक नई ऊंचाई दें। कितनी फीस है ये आप कॉल करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यदि आप जनपद 1100 रुपये फीस है, मात्र 1100 रुपये फीस है, यदि इस ऑफर के तहत आप लेते हैं ईपीटीटी के जो इस बार नए नहीं दिए हैं उनके लिए मात्र 1100 रुपये फीस है, जुड़ सकते हैं। यदि आप जनपद जौनपुर से संबंधित हैं
तो आप हमारा पता है टीवी कॉलेज रोड अनुपम जलपान के बगल में वेद कानून स्कूल, जहाँ पे हमारी ऑफलाइन संस्था संचालित है, वहाँ से आप लोग ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुक्त बाजार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है? आयात से हतोत्साहित करना, निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध न होना, निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगाना, या आयातित माल को शुल्क मुक्त किया जाना। क्वेश्चन का उत्तर दें आप। क्वेश्चन नंबर 29। आप कॉल करिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, चाहे SI हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो। चलिए मैं बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसका बिल्कुल सही जवाब है निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध न होना। यह मुक्त बाजार का सर्वोत्तम परिभाषित करती है यह लाइन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? 15 है, 28 है, 35 है या 40 है? बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है। चलिए तुक्का मत मारिए, इसकी जो संख्या है वो 28 है। बी इज द राइट आंसर। चलिए आज जो आपका लाइव सेशन था वह ये 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ये जो क्लास चलता है आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो सभी लोग इस सेशन से जरूर जुड़े। टाइम है 7:15 पर यह क्लास शुरू हो जाती है। यदि आपके इस क्लास से संबंधित कोई भी हेल्प चाहिए तो आप फटाफट कमेंट करें, यह क्लास आज आपकी पूरी खत्म होती है। चलिए धन्यवाद आपका। चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप डेली इस समय जुड़ जाएं। थैंक यू। जय हिंद। गुड नाइट।